नमस्ते, टेरिस किचन में आपका स्वागत है। आज हम बिल्कुल हलवाई की तरह सॉफ्ट और स्पंजी रसगुल्ला बनाएंगे। चलिए इसे बनाते हैं। मैंने यहाँ 1 लीटर दूध, 1 कप चीनी, 1 चम्मच कॉर्नफ्लोर और व्हाइट विनीगर लिया है। दूध को हम यहाँ व्हाइट विनीगर से फाड़ रहे हैं। आप चाहे तो दूध को नींबू से फाड़ सकते हैं। अगर आप नींबू से दूध फाड़ेंगे तो इसके लिए आप 2 नींबू लें और उसके रस को निकाल कर छान लें। उसके बाद ही आप उसे दूध में डालें। कटोरा में 1/2 कप पानी लेंगे, इसमें 2 चम्मच विनीगर डालेंगे और इसे रख देंगे। दूध को तेज फ्लेम पर बॉईल करेंगे। दूध बॉईल हो गया है, अब हम फ्लेम को बंद कर देंगे। कभी भी गर्म दूध में आप नींबू का रस या विनीगर नहीं डालें, इसे छेना अच्छा नहीं बनेगा। दूध को हम 2 मिनट ठंडा करेंगे, इसके बाद ही इसे हम फाड़ेंगे। दूध को चलाते हुए 2 मिनट हो गया है, जिससे दूध हल्का ठंडा हो गया है। इसमें थोड़ा थोड़ा करके विनीगर का पानी डालेंगे और इसे मिक्स करेंगे। देखिए दूध फट गया है और ये विनीगर का पानी बच गया है। इसे अब हम इसमें नहीं डालेंगे। कटोरे पर छन्नी रखेंगे और इस पर ये कॉटन का कपड़ा डालेंगे। इसमें इसे डालेंगे और इसे छान लेंगे। और ये पानी को हम निकाल लेंगे। छेना को 2 से 3 बार पानी से धो लेंगे, जिससे इसमें जो नींबू का खट्टापन या विनीगर का जो खट्टापन है वो पानी में निकल जाएगा। इसे फोल्ड करेंगे, इस तरह इसे दबा के इसका एक्स्ट्रा पानी निकाल देंगे। इसे इस तरह से लटकाकर 1/2 घंटा के लिए रख देंगे, जिससे छेना में जो भी एक्स्ट्रा पानी होगा वो नीचे कटोरा में निकल जाएगा। छेना को रखे हुए 1/2 घंटा हो गया है। देखिए इससे इसका एक्स्ट्रा पानी सारा निकल गया है। इसे हम प्लेट में निकाल लेंगे। छेना अभी दानेदार है, इसे हम हाथ से अच्छे से मिक्स करेंगे। इसे 5 मिनट हथेली के इस हिस्से से मस लेंगे। छेना को 1/2 घंटा से ज्यादा नहीं रखना है, नहीं तो इससे रसगुल्ला अच्छा नहीं बनेगा। इसे मिक्स करते हुए मुझे पूरे 5 मिनट हो गए हैं और सारा छेना एक जगह अच्छे से जमा हो गया है और ये दानेदार तो बिल्कुल नहीं रहा। देखिए ये कितना चिकना हो गया है। इसमें हम 1 चम्मच कॉर्नफ्लोर डालेंगे, इससे ज्यादा इसमें नहीं डालना है। इसे मिक्स करेंगे। इसे 5 मिनट और इसी तरह मिक्स कर लेंगे, जिससे कॉर्नफ्लोर अच्छे से छेना में मिक्स हो जाएगा। छेना को अच्छे से मिक्स करना बहुत ही जरूरी है। अगर आप इसे अच्छे से मिक्स नहीं करेंगे तो जैसे ही आप रसगुल्ले को रस में डालेंगे तो रसगुल्ला टूट जाएगा। इसे कम से कम 10 मिनट तक मिक्स करना है, 5 मिनट कॉर्नफ्लोर डालने के पहले और 5 मिनट कॉर्नफ्लोर डालने के बाद। इससे हमारे रसगुल्ले बहुत ही सॉफ्ट और फूले फूले बनेंगे। देखिए ये बिल्कुल ही चिकना हो गया है, इसमें कहीं से भी दाना बिल्कुल नहीं है। इसके अब हम बॉल्स बनाएंगे। इसे बराबर भाग में बांट ले। यहाँ इसके 12 पीस बने हैं। अब हम इसे गोल करेंगे। गोल करते समय ये बात ध्यान रखें कि इसे कहीं से भी फटा हुआ नहीं होना है। देखिए ये कहीं से भी फटा हुआ नजर नहीं आ रहा है। अगर आपके गोले फट रहे हैं तो उसे आप फिर से मिक्स करें और उसके बाद ही उसके गोले बनाएं। इसी तरह हम बाकी के भी गोले बना लेंगे। देखिए सारे गोले तैयार हो गए हैं। कढ़ाई में 1 कप चीनी डालेंगे,
और इसमें 3 कप पानी डालेंगे। आप जिस भी कप से चीनी ले रहे हैं उसी कप से इसमें 3 गुना पानी डालना है। इससे हमारे रसगुल्ले बहुत ही अच्छे बनेंगे। चीनी घुलने तक इसे तेज फ्लेम पर पकाएंगे। चीनी पानी में घुल गई है, इसमें बॉयल आने तक इसे तेज फ्लेम पर पकाएंगे। रस उबलने लगा है, इसमें हम एक एक करके रसगुल्ला डालेंगे। एक बार में एक से ज्यादा रसगुल्ला नहीं डालना है। एक रसगुल्ला डालेंगे, 5 सेकंड रुकेंगे, फिर हम दूसरा रसगुल्ला डालेंगे, फिर 5 सेकंड रुकेंगे, फिर तीसरा डालेंगे। इस तरह करके हमें रसगुल्ला डालना है। अगर इसे हम एक बार में ही डाल देंगे तो इससे रसगुल्ला अच्छा नहीं बनेगा। इसे 4 मिनट इसी तरह से तेज फ्लेम पर रहने देंगे। इसे ढक देंगे और इसे 5 मिनट तेज फ्लेम पर पकने देंगे। बस इसे खोलेंगे। वाओ, देखिए रसगुल्ले कितने बड़े हो गए हैं। इसे हम पलट देंगे। देखिए पहले रसगुल्ला कितना छोटा था, अभी ये कितना बड़ा हो गया है। इसे फिर से ढक देंगे और इसे इसी तरह तेज फ्लेम पर 5 मिनट और पकाएंगे। वाओ, देखिए पहले का रसगुल्ला कितना छोटे साइज का था, अभी ये डबल हो गया है उसका। रसगुल्ला बना है कि नहीं ये देखने के लिए हम एक पीस रसगुल्ला को पानी में डालेंगे। देखिए रसगुल्ला नीचे बैठ गया है, इसका मतलब रसगुल्ला बन गया है। अगर रसगुल्ला पानी के ऊपर तैरता तो ये कच्चा होता। कटोरा में ठंडा पानी लेंगे और इसमें बर्फ डालेंगे। इसमें हम एक एक करके रसगुल्ला निकालेंगे और इसे ठंडे पानी में डालेंगे। हम जब भी रसगुल्ला बनाते हैं तो रसगुल्ला बनने के बाद उसे हम गर्म रस में ही छोड़ देते हैं। इसी कारण से रसगुल्ला फूलने के बाद वह बाद में सिकुड़ जाता है। अगर हम उसे गर्मा गर्म ठंडा पानी में डाल देंगे तो इससे रसगुल्ला सिकुड़ेगा नहीं और वो फूला फूला ही रहेगा। इसे हम इसमें 5 मिनट के लिए रहने देंगे। देखिए रसगुल्ला कितना सॉफ्ट बना है। देखिए इसे जैसे दबाते हैं छोड़ने के बाद ये फिर से अपने वापस शेप में आ जा रहा है। रस हल्का ठंडा हो गया है, इसे हम कटोरे में निकालेंगे। हम एक पीस रसगुल्ला लेंगे, इसे इस तरह हाथ से दबाएंगे और इसे रस में डाल देंगे। देखिए ये फिर से फूल गया है। इसे दाबने के बाद इसका रस निकल जाएगा, लेकिन जैसे इसे हम फिर से रस में डालेंगे फिर से ये अपने पुराने शेप में आ जा रहा है। ये बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट बना है, बिल्कुल हलवाई जैसा सॉफ्ट रसगुल्ला तैयार है। धन्यवाद।